अदालत बाहरा मीडिया से गालाइंदे डीआईजी सखर चयो त सहाफी नसरुल्ला गडाणी जे केस में अगभराई थी आहे। उम्मीद आहे त मथस हमलो कंदड़न के जल्द गिरफ्तार कयो वेंदो। डीआईजी सखर जो चवण हो त जान मोहम्मद महर कतुल केस में भी वडी अगभराई थी आहे, जल्द कातिल गिरफ्तार कया वेंदा। डीआईजी सखर जो चवण हो त प्रिया कुमारी अगवा केस में भी अगभराई थी आहे, जल्द खुशखबरी मिलंदी। ये अहम खबर आहे जेका अवां सां शेयर करे रहा हूं। डीआईजी सखर पी मोहम्मद शाह चयो आहे त कच्चे में धाड़ेलन खिलाफ सर्जिकल ऑपरेशन कंदा। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी जा टावर और ड्रोन हासिल कर वरता है। कच्चे में नई हुकूमत अमली तहत ऑपरेशन कर वो। तफसील मालूम कदी टल फ्लाइन से मौजूद है नज़ाकत जतोई। जी नज़ाकत, चवण डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह जो। डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह अदालत बाहर सहाफिन से गलते है कच्चे में धाड़ेल खिलाफ सर्जिकल ऑपरेशन कदी। असा जदीद टेक्नोलॉजी जा टावर और ड्रोन हासिल कर वरता है। कच्चे में नई हिकमत अमली तहत ऑपरेशन किया वो। उन कच्चे जो मसलो ऑपरेशन से हल नो, हल पुलिसिंग है। उन जेस तीन धाड़ेल के दिल में पुलिस जो खौफ न हों तेस तीन अड़ू कार्रवाई जारी रही। उन भत्ताखोर जो पर्च मोकल और मानून के अगवा कर सिलसिलो तद खत्म जैसे असा संदन थाक खत्म कदी। इन हवाले से डीआईजी जो है अदालत बाहर गाले तो पुलिस के एक महीने अंदर जदीद हथियार मिली वा सहाफी नसरुल्ला गडाणी के हवाले से पिण गाले तो ये एक ब्लाइंड केस है। असा कुछ सुराग मिलया कम जारी है। उन तो उम्मीद त नसरुल्ला हमलो कद जवाबदार जल्द गिरफ्तार कदी। उन यो पिण तो शहीद जान मोहम्मद महर कतल केस में वही अग भराई थी है। कातिल जल्द गिरफ्तार थींदा। उन तो शहर में डोहारियों के आजादी से डो उन शहर में जे डोहारी उनके करे आजादी से डो कन था तो उनके केर भी पकड़े नो। उन तो जै कुछ गुरोहन के पकड़े उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई कई वी तद ही शहर में अमुन कायम थी सो। उन प्रिया कुमारी के हवाले से पिण गाले तो प्रिया कुमारी केस में पिण जी वही अग भराई थी है। जल्द ही इन केस में भी खुशखबरी मिली। जी ठीक है नज़ाकत, तफ़सील ॾियण लाइ वॾी महिरबानी। नाज़रीन बुलेटिन के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। हिन अहम ख़बर सां त सिंध जे सीनियर वज़ीर शजील इनाम महमूद चयो आहे त सिंध के सियासी